कुदरत जिसकी गोद में आकर बहुत सुकून मिलता है। आज मारिया अपने परिवार के साथ एक बीच पर आई थी। यह है मारिया की बड़ी बेटी एम, जो पास ही टहलने गई थी। वो अपने छोटे भाई ओली को मजाक करती है और फिर अपने पिता रॉब के पास आ जाती है, जो रात का खाना तैयार कर रहा था। रात को पूरा परिवार खाना खाने के बाद बातें करता है और फिर अपने टेंट में सो जाता है। अगले दिन मारिया और रॉब ओली को साथ लेकर घूमने की तैयारी कर रहे थे। वो एम को भी साथ आने को कहते हैं, लेकिन एम नहीं मानती। मारिया और रॉब जैसे ही जाने लगते हैं, एम उन्हें रोकती है मारिया और रॉब की फोटो लेने के लिए, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और पीछे अकेली एम रह जाती है। अब अकेली एम को कोई आवाज सुनाई देती है। वो उठकर आसपास देखती है और फिर डरकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की गाड़ी एम की गाड़ी के पीछे आकर रुकती है। सफेद गाड़ी से 40 के आसपास का जर्मन बाहर निकलता है। उसके साथ ही 30 के आसपास का चौक भी बाहर आता है। एम अपनी गाड़ी में सो रही थी, जिस पर इन दोनों की नजर पड़ जाती है। जर्मन, चलो इसे उठा ले जाते हैं चौक। पिछली बार जब तुमने एक लड़की को उठाया था तो तुम्हें जेल हुई थी। जर्मन, उस गलती से मैंने काफी कुछ सीख लिया था। चौक उसकी बात मान लेता है और जर्मन एम के टेंट की तरफ बढ़ता है, ये देखने के लिए कि एम के साथ और कौन कौन है। दूसरी तरफ एम गाड़ी में जाग जाती है और चौक को देखकर कहती है, मेरी गाड़ी से दूर हटो। चौक उसकी बात मानकर दो कदम पीछे हट जाता है। वो फिर आगे बढ़ता है और तभी एम गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। हॉर्न की आवाज़ जर्मन सुन लेता है और एम के माता पिता भी। जर्मन एम की गाड़ी की तरफ लौटता है। रॉब भी मारिया को ओली पकड़ाकर एम को देखने जाता है। जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकालकर एम को बाहर आने को कहता है और एम डरकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। रॉब भी वहां एम को बचाने आ जाता है, जिसे वो लोग मारकर बेहोश कर देते हैं। मारिया ओली को टेंट में छोड़कर गाड़ी की तरफ आती है। वो आते ही चौक पर कूदती है और एम जान बचाकर भागती है, लेकिन जर्मन फायर कर उसे रोकता है। फिर वो गन को मारिया पर रखकर कहता है, अगर तुम भागी तो ये मारी जाएगी। एम जे सुनकर रुक जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों पूरे परिवार के हाथ मुंह बांध देते हैं। फिर चौक सभी को खड़ा करता है। इसके बाद दोनों पूरे परिवार को कहीं लेकर जाते हैं। एक वीरान सी जगह पर बैठकर चौक एम के फोन को देख रहा था। इसी फोन से चौक ने पूरे परिवार की तस्वीरें ली थी, जिन्हें वो देख रहा था। उसकी नजर ओली की तस्वीर पर पड़ती है और वो ये तस्वीर जर्मन को दिखाता है। जर्मन मारिया से ओली के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो पूरे परिवार को टॉर्चर करते हैं और उन्हें अलग अलग पेड़ से बांध देते हैं। जर्मन रॉब के सिर पर बियर की केन रखता है और चौक निशाना लेने लगता है। रॉब डरकर कांप रहा था, जिस कारण केन नीचे गिर जाती है। जर्मन जाकर फिर केन रखता है और चौक निशाना लेता है। रॉब फिर डरकर कांपता है, जिससे केन फिर से गिर जाती है, लेकिन इस बार चौक गुस्से में रॉब के सिर पर गोली मारता है। इसके बाद दोनों मारिया के साथ भी यही करते हैं, बस अपनी जगह बदल लेते हैं। आखिर में जर्मन मारिया की छाती पर गोली मारता है। फिर जाते जाते वो एम को भी गोली मारकर मार देते हैं। वो दोनों ओली को लेने वापस उनके टेंट में आते हैं, लेकिन ओली अकेला ही दूर निकल गया था, वो भी रोते रोते। 3 दिन बाद सैम और जॉन नाम का एक जोड़ा भी इसी बीच पर आता है। दोनों इस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों रॉब और मारिया के टेंट से कुछ ही दूर खड़े थे और जल्द ही वहां अपना टेंट लगा लेते हैं। दरअसल सैम और जॉन जल्द ही शादी करने वाले थे। कुछ देर बाद सैम अकेले ही बैठी थी और वो रॉब के टेंट की तरफ देख रही थी। शायद सैम उनके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो पूरा परिवार तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। जॉन आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और उसके हाथ एक कैप लगती है, एक प्यारे से गोल मटोल बच्चे की कैप। रात को सैम और जॉन आग जलाकर बातें करते हैं, ढेर सारी बातें। अगले दिन सैम उठकर फिर से रॉब के टेंट की तरफ देखती है। उसे उम्मीद थी कि अब तो वो लोग वापस आ चुके होंगे। यही सोचकर वो टेंट की तरफ बढ़ती है। टेंट के अंदर देखने के बाद वो जॉन को बुलाती है और जॉन उसके पास जाता है। सैम जॉन को टेंट खोलकर दिखाकर कहती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जॉन भी टेंट में बिखरे सामान को देखकर उससे सहमत था। वो इसकी जानकारी वन विभाग को देना चाहते थे, लेकिन उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। जॉन गाड़ी का टायर बदलने लगता है और तभी सैम के चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ता है। सैम उसे जमीन पर एक बच्चा गिरा पड़ा दिखाती है। दोस्तों, ओली को इस तरह देखकर हर इंसान रो पड़ता। जॉन उसे चेक करता है और प्यारा ओली जिंदा था। जॉन उसे गोद में उठाकर चलने लगता है और दोनों ओली के माँ बाप को ढूंढने का फैसला करते हैं। दोनों जहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी सफेद गाड़ी में चौक उनके पास आ जाता है। वो उसे ओली दिखाते हैं जो गाड़ी में था। दोनों चौक से मदद मांगते हैं ताकि ओली को हॉस्पिटल ले जाया जा सके, लेकिन चौक उन्हें कहता है कि उसके माँ बाप यहीं कहीं आसपास होंगे, जो जरूर किसी मुश्किल में होंगे और हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। जॉन उसकी बात सुनकर ओली के माँ बाप की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब चौक अपनी गाड़ी से बड़ी सी गन उठा लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। पीछे सैम रह जाती है, क्योंकि उसने ओली का ख्याल रखना था। कुछ देर बाद सैम गाड़ी में बैठी थी और उसके हाथ में एक चाकू था। गाड़ी की पिछली सीट पर ओली आराम से सो रहा था। दूसरी तरफ चौक जॉन को उसी जगह ले आया था जहां उन्होंने रॉब, मारिया और एम को मारा था। चौक मारिया की लाश ना देखकर हैरान होता है। जॉन उसे यहां से चलने को कहता है ताकि पुलिस को बुलाया जा सके, लेकिन चौक कहता है कि ओली की माँ जिंदा है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। दोनों जल्द ही मारिया को ढूंढ लेते हैं। जॉन मारिया को देखकर उसके पास जाता है, जो जिंदा थी, लेकिन तभी चौक मारिया को गोली मारकर मार देता है। ये देख जॉन पूरी तरह से डर गया था। चौक, तुम तो बहुत डर गए। जॉन कांपते कांपते पूछता है, क्या मुझे भी गोली मारोगे? चौक,
चॉक, न मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। जे सुनकर जॉन और भी डर जाता है। चॉक थोड़ा पास आकर, चलो उठो। तभी जॉन उसे धक्का मारकर वहां से भाग जाता है और चॉक उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ जर्मन सैम के पास पहुंच जाता है। सैम उसे सब बताती है और जर्मन सारी बात सुनकर अपनी गाड़ी से गन उठा लेता है। सैम गन देखकर डरकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जर्मन आकर गाड़ी की विंडो का शीशा तोड़कर दरवाजा खोलने लगता है और तभी सैम चाकू से उसकी कलाई काट देती है। जर्मन अपना खून रोकने लगता है और तभी सैम ओली को लेकर भाग जाती है। सैम को भागता देख जर्मन अपने वफादार कुत्ते को सैम के पीछे छोड़ता है। एक तरफ जॉन के पीछे चॉक लगा था और दूसरी तरफ सैम के पीछे जर्मन। जॉन एक जगह रुककर छुपता है और चॉक उसे ढूंढ रहा था। तभी चॉक को कोई दौड़ता देखता है और वो जल्दी से गोली चला देता है। चॉक उसी तरफ बढ़ता है और सामने जर्मन दर्द से तड़फ रहा था जिसे चॉक की गोली लगी थी। चॉक जर्मन से माफी मांग ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, ओली के रोने की आवाज। अब चॉक धीरे धीरे आकर सैम को पकड़ देता है। वो उसे गन पॉइंट पर रखकर जर्मन के पास आता है और सैम से ओली छीन कर नीचे रख देता है। फिर चॉक जर्मन के पास आकर उसे गोली मार देता है क्योंकि वो उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद चॉक सैम को गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन सैम गाड़ी का स्टीयरिंग हिला देती है और गाड़ी एक पेड़ से टकराती है। दूसरी तरफ जॉन भागकर पुलिस ले आता है। पुलिस वाले चॉक की गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी चॉक दूर से ही उन्हें गोली मार देता है। जॉन जे देख गाड़ी स्टार्ट करने लगता है लेकिन चॉक उसकी बांह पर गोली मारता है। इसके बाद चॉक सैम और जॉन को पुलिस गाड़ी में बंदी बना लेता है। सैम गाड़ी चला रही थी और चॉक उसके पीछे गन लिए बैठा था। चॉक अब जहां से भागना चाहता था लेकिन सैम गाड़ी को तेज भगाकर उसे उलटाने की कोशिश करती है और गाड़ी पलटी खाने के बाद सीधी रुक जाती है। पहले चॉक गाड़ी से बाहर निकलता है जो बहुत जख्मी हो चुका था। फिर सैम बाहर आती है और एक पत्थर से चॉक का सिर फोड़ देती है। आखिर में सैम धीरे धीरे आंखें खोलती है जो एक हॉस्पिटल में थी। फिर वो जाकर जॉन को देखती है जो उसी हॉस्पिटल में ही था। जॉन को भी बहुत चोटें लगी थी। अब सैम ओली के बारे में सोच रही थी जिसकी जान जर्मन के कुत्ते ने बचा ली थी उसकी रखवाली करके। दोस्तों पूरी कहानी में हमने तीन चीजें देखी, पहली मानव बस्ती से दूर एक वीरान बीच, दूसरी कुछ सामाजिक लोग जैसे सैम जॉन और रॉब का परिवार, तीसरी दो असामाजिक लोग जर्मन और चॉक। दोस्तों ये बात सच है कि जब भी असामाजिक लोगों को लगता है कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा तो वो सामाजिक लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं, जैसे जर्मन और चॉक बन गए थे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।